हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और इस वक्त हम लोग हैं सफर में, सफर में जा रहे हैं हम लोग। फिलहाल हमारा जो पहला स्टॉप है वो हैदराबाद है। हैदराबाद के बाद हम वहाँ से निकलेंगे थर पार्कर की। हमारी कोशिश है कि थर पार्कर जाएं, क्योंकि ये जो मौसम है, ये जो बारिशों का मौसम है, कहते हैं कि भाई ये खूबसूरती उसकी और ज़्यादा निखारता है। तो बड़ी मुश्किल से पूरी की टू पार्टी रेडी हो चुकी है। शफीक भाई जी ने छुट्टी करवाई हमने, और बाबा जी इस वक्त कैमरे के पीछे मौजूद है, हंसा मौजूद है। हम लोग चारों लोग जा रहे हैं इस वक्त, पहले हैदराबाद जाएंगे हम लोग, फिर हैदराबाद से आगे का हमारा सफर स्टार्ट होगा। तो अभी तकरीबन हम लोग कराची से निकले हैं, तो ही 5 बजे बीच में हम लोगों को ज़रा गाड़ी की पेट्रोल हवा और दूसरे चीज़ें आवाज़ वक्त पूरे करने थे। अभी तकरीबन मुझे लग रहा है कि हम 7:30 बजे तक हैदराबाद होपफुली पहुँच जाएंगे। और आप लोग कह रहे थे कि भाई फूड ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे। भैया देखो, हमने फूड ब्लॉग इतना बनाए 1-2 साल में कि हमारी सेहतें जो थी ना, आखिर में वो कहने लगी थी कि भाई अब थोड़ा सा ब्रेक ले लो। तो ब्रेक लिया हुआ हम लोगों ने, तो इंशाल्लाह ताला वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। अब आप कब तक मेरे मुंह पे कैमरा रखेंगे? शफीक भाई को मैं दिखा दे, हम फुल एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, चश्मा पहन के, कैप पहना हुआ है। ये मेरा चश्मा है। भाई हैदराबाद हम लोग पहुँच चुके हैं, और जो एक्सपेक्टेड टाइम था उसी पे हम पहुँच चुके हैं। तो बस अब शारिक को पिक करने जा रहे हैं, और उसके बाद वो बताएंगे कि भाई क्या आने का प्लान है, कहाँ जाना है, किस तरह जाना है। अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, और शफीक भाई देखो चश्मा इस वजह से पहने हुए कि मैं सुकून से सो सकूँ। ये सिर्फ चश्मा पहने हुए इस वजह से ताकि कोई पकड़ ना ले इनको कि ये सो रहे हैं। बस अब तो आवाज मारी तो आप चौकन्ना होगा ना भाई। चौकन्ना ही बैठ। शारिक भी आ चुका। क्या प्लान किया अभी शारिक भाई? यहाँ से बरीन, बरीन से कोसकी, फिर लॉन्ग पे। अच्छा, अच्छा भाई हम लोग अभी थोड़ा सा स्टॉप लिया हमने हैदराबाद में ही। ये मशहूर से यहाँ का रेस्टोरेंट है, तो हम ऊपर आके बैठ गए। तो यहाँ हम करेंगे नाश्ता, और इसके बाद हम बदीन, और बदीन से फिर आके फर्दर हम अपना ट्रैवल करेंगे। तो शायद ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो, तो मे भी शायद इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर दें। बस क्या मंगवाया? एक अंडा चना, एक बिरयानी और एक पाया। एक पाया शफीक भाई का हो गया। हमारे लिए क्या मंगवाया? ये तो शफीक भाई का हो गया ना। आप अपना ऑर्डर दे रहे हैं, देख रहे हैं आप। इनको बिल देने का बोला था, बोले आप लोग बैठ के देख लो मैं खाऊंगा। भाई माशाल्लाह बड़ी क्विक सर्विस है। हाँ भाई, फौरन आ गया, फौरन आ गया। झंडा चना है, और ये आया पाया। वो कम पाया है भाई, यानी मसाला। और ये क्या भाई? ये हमारा नहीं, किसी और का। भाई माशाल्लाह सबका खाना खत्म हो गया, मगर शफीक भाई पराठे अलग मंगाए, चाय के साथ। चलो भाई, बदीन के रास्ते में थे और कोई आधे घंटे में हम पहुँचने वाले थे, तो हम एक जगह पे फंस गए। यहाँ पे मंडी लगी हुई है, कैटल तलार, तलार शहर, तलार शहर है। वहाँ पे मंडी लगी हुई, और बहुत बड़ी मैसिव मंडी लगी हुई, पूरी हर तरफ भैंस ही नज़र लगी है मेरे को। तो
हाँ जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एहसान अरबाब भाई के साथ, और ये जितना भी आप हमारा ये जो ब्लॉग देख रहे हैं, ये थरपारकर का ये जो भी सीरीज़ है, ये पॉसिबल हुई इनकी वजह से, क्योंकि ये ना सिर्फ होस्ट थे बल्कि गाइड भी हैं ये, और जितना यहाँ की जो हिस्ट्री है वो भी ये साथ के साथ बता रहे हैं। तो अभी हमारी बिहाइंड द कैमरा इतनी बातें हो गई, मैंने बोला अभी थोड़ा सा कैमरे पर ये बातें कर लेते हैं हम लोग। सो एहसान भाई ज़रा बताएं, ज़रा ये अभी हम लोग कहाँ पर खड़े हैं, ये कौन सा एरिया है? ये थरपारकर का कलोई ताल का है, मतलब देखें ये पाकिस्तान का वाइस डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी बहुत पुरानी कदीमी जगहें मिलेंगी, मसाजिद मिलेंगी, मंदिर मिलेंगे, और बड़ी बात यह कि ये जो खिता है यहाँ पे आपको हर तीसरा बंदा आर्टिस्ट मिलेगा, कोई म्यूजिशियन है, कोई शायर है, कोई अदीब है, कोई नावल निगार है, कोई पॉलिटिशियन है, ड्रामा नवीस है, कोई पॉलिटिशियन है, वो ड्रामा नवीस में आ गए। तो बाकी मतलब के राइटर्स हैं, पोइट हैं और फनकार हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं पता है आपको? बताएं। नॉकआउट फोर्ट पे। आपको पता ही है आप वीडियो बना रहे हैं, कंसर्ट तो लेना चाहिए था। चलो ना, बड़ा मार्केट में चले गए अभी थरपारकर में, नॉकआउट फोर्ट पे खड़े हैं हम लोग, और कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा सा ड्रोन की शॉट्स लें, अगर अच्छे आ गए तो आप नाइट जो देखेंगे वो ड्रोन की शॉट्स लेंगे। जेल में। अच्छा भाई, अभी अभी एहसान भाई ने बताया कि ये जो छोटे गेट होते थे ना, ये गुलामों के लिए होते थे, ऐसी कैदी या गुलाम, और ये जो बड़ा गेट खोला जाता था स्पेशल लोगों के लिए खोला जाता था। ओए होए ओए होए, वाह भाई वाह, आई लव पाकिस्तान। हाँ भाई, खुश हो आप? इनका खुशी इनका गर्दन मचाने बता दिया। चलो चलो शुरू हो जाओ। इतना ही आता है इनको। यार ये अभी उमरा करके आए हैं, देखो करने से कुछ होता है? बहुत कुछ होता है, जिनको होता है उनसे पूछना। यार बाबा रात बहुत हो गई है, सोते हैं है ना? ये लो, ये अभी से गुप्त का ही आ गया, मगर सुबह जल्दी उठना है,
और भी सब बहुत सारी चीजें कवर करनी है, सही है? हाँ भाई चले। मेरा नाम फकीर जुल्फकार अली है और मेरा ताल्लुक मिट्टी थरपारकर से है और मैं बहुत पुराने साज बजाता हूँ। बोरिंडो मिट्टी का साज है और नड़ भी मेरे साथ है, गिंगरू भी उसके साथ बजाता हूँ, लेकिन पहले ये दम्बूरी है। इस पर मैं आपको एक लोक धुन यहाँ की भैरवी में सुनाता हूँ।